यूक्रेन युद्ध के साथ साथ रूस और अमेरिका में अब न्यूक्लियर रेस से शुरू हो चुकी है। परमाणु हथियारों की बढ़त पर लगाम लगाने वाला समझौता सस्पेंड हो चुका है। रूस ने खुद को परमाणु समझौते से अलग कर लिया है। अब अमेरिका ने भी फैसला ये कर लिया है कि वो अपने परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी रूस को नहीं देगा। अब खबरें यहां तक सामने आ रही है कि रूस जो है परमाणु परीक्षण करने को तैयार है। वहीं अमेरिका भी अब रूस के परमाणु वर्चस्व पर जवाब उसी के भाषा में देने के लिए तैयारी कर रहा है। रूस और अमेरिका में ठनी, अब दुनिया में बढ़ेगी परमाणु गर्मी। धरती के अंदर फटेंगे बम, परमाणु बमों का होगा शक्ति परीक्षण। रूस बनाएगा नया परमाणु बम, अमेरिका भी नहीं रहेगा रूस से कम। अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है जिसके बाद पेंटागन का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। अमेरिका ने ऐसा क्या फैसला किया है जिसके बाद न्यूक्लियर फाइट की सर्च लाइट और तेज हो गई है? क्या अमेरिका रूस के सबसे अधिक परमाणु बमों को रखने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है? क्या अमेरिका रूस के जार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बनाने जा रहा है? अमेरिका से आई नई खबर ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या फैसला किया है? सवाल है, क्या रूस और यूक्रेन की जंग परमाणु हमले का गवाह बनेगी? क्या एटम बम फोड़ने के पहले व्लादिमीर पुतिन परमाणु परीक्षण करेंगे? क्या रूस के जवाब में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी परमाणु टेस्ट का ऑर्डर देंगे? इन तीन सवालों के जवाब से भी बड़ी खबर यह है कि रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को पुतिन ने ताक पर रख दिया है। उसकी शर्तों को पहले से ही दरकिनार कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका ने भी फैसला किया है कि वो अपनी किसी भी परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारी को रूस के साथ साझा नहीं करेगा। अमेरिका का कहना है कि वो रूस के साथ कुछ न्यू स्टार्ट डेटा साझा करना बंद करेगा। अब अमेरिका रूस को अपने मिसाइल और लॉन्चरों की लोकेशन की जानकारी नहीं देगा, परमाणु ठिकानों की जगह हुए बदलाव को नहीं बताएगा, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग नहीं बताएगा। बड़ा सवाल है, इस फैसले के पीछे अमेरिका की क्या मंशा है? क्या अमेरिका अपने परमाणु ठिकानों की लोकेशन बदलने जा रहा है? क्या अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की तैनाती में परिवर्तन करने जा रहा है? कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अपने परमाणु हथियारों की जानकारी सार्वजनिक की थी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया कि अमेरिका के पास फिलहाल 1419 हमले के लिए तैयार परमाणु हथियार हैं, 662 इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल और हैवी बॉम्बर हैं। वहीं रूस ने 2023 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बताई है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन लगता है अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। ये डरावना वीडियो रूस के परमाणु परीक्षण का है।
खबर है कि कुछ इसी तरह से परमाणु हथियारों की दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया धमाका कर सकते हैं। आखिर अमेरिका के सैटेलाइट की नजर रूस के एक वीरान आइलैंड पर क्यों टिकी है? अमेरिका का सैटेलाइट उस टापू के चप्पे चप्पे की तस्वीरें क्यों ले रहा है? उस आइलैंड के एक खास इलाके पर ही अमेरिका की पैनी नजर क्यों है? जवाब है रूस की परमाणु परीक्षण की तैयारी। दावे के मुताबिक रूस के नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया जा सकता है। बीते महीने 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से न्यू स्टार्ट संधि को स्थगित करने का ऐलान किया। पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की लिमिट तय करने वाले इस समझौते को सस्पेंड करने की वजह भी बताई। उन्होंने दो टूक कहा कि वो अमेरिका की अगुवाई में नाटो समेत 54 देशों की मंशा पूरी नहीं होने देंगे, जो यूक्रेन की जंग में रूस की हार के लिए हथियारों की सप्लाई पर पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। Истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединенных Штатах. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка. इस ऐलान का अंजाम क्या होने वाला है वो आपको बस 30 सेकंड बाद बताएंगे। अभी आप पुतिन के इस एक्शन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का रिएक्शन देखिए। न्यू स्टार्ट संधि के मुताबिक रूस और अमेरिका ने तैनात परमाणु हथियारों की अधिकतम तादाद 1550 और तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 700 तय कर दी थी। इसका लिहाज करते हुए रूस के तैनात परमाणु हथियारों की तादाद 1549 और तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 540 थी, जबकि अमेरिका के तैनात परमाणु हथियारों की तादाद 1420 और तैयार परमाणु हथियारों की संख्या 659। परमाणु बम बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया था। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब 200 करोड़ डॉलर का खर्च आया था, जो आज की तारीख में करीब 1,65,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट के डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को सीधा संदेश देकर पुतिन साफ कर चुके हैं कि रूस को किसी भी कीमत पर झुकाया या डराया नहीं जा सकता। पुतिन के इस बयान से ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का हमला हो सकता है। В том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Путин के इस धमकी को पूरी दुनिया बार-बार सुनती है। पुतिन अपने भाषण में परमाणु परीक्षण की बात बोल चुके हैं। पुतिन बोल चुके हैं अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। पुतिन अमेरिका के साथ परमाणु करार को स्थगित करने की बात बोल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। नाटो को चेतावनी दे चुके हैं। तो परमाणु युद्ध का कई मर्तबा जिक्र कर पूरी दुनिया को डरा चुके हैं। Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. Саваль,
दुनिया के सामने परमाणु युद्ध की बात और पर्दे के पीछे रूस के न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने के पीछे पुतिन की क्या रणनीति है। पुतिन के मुताबिक अब रूस वो करेगा जो पिछले 33 साल में नहीं किया। रूस नए परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। पुतिन की ये धमकी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये खबर सामने आती है कि रूस में सबसे बड़े न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है जिसमें 496 अंडरग्राउंड थे। दुनिया में अब तक 2059 परमाणु परीक्षण हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1030 परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किए। ऑल रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स व्याचेस्लाव सोलोवियोव ने दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो नोवाया ज़ेम्ल्या में किसी भी वक्त रूस परमाणु परीक्षण कर सकता है। व्याचेस्लाव सोलोवियोव का यह दावा पुतिन की परमाणु धमकी से 100% मेल खाता है। नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्ल्या रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्ल्या मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहां 132 मरतबा परमाणु परीक्षण कर चुका है। साल 1961 में यही रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? पुतिन की न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है। टास्क लिस्ट में दूसरे नंबर पर ट्रैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अटैक है जिसके लिए रूस की न्यूक्लियर फोर्स 24 घंटे तैयार रहती है। टास्क लिस्ट में तीसरे नंबर पर बड़ा परमाणु हमला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही आखिरी फैसला करेंगे। परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन क्या सोचते हैं ये उनकी धमकियों से साफ हो जाता है। पुतिन साफ साफ शब्दों में नाटो देश को चेता चुके हैं, यूक्रेन को जितनी लंबी दूरी की मिसाइलें मिलेंगी रूस खतरे को अपनी सीमा से उतना ही दूर कर देगा। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन का मामला लोकल था लेकिन अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों ने इसे दुनिया का मसला बना दिया। एक छोटे से युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। ऐसे हालात में बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और रूस की परमाणु होड़ में अगर चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों ने भी परमाणु ताकत बढ़ानी शुरू की तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर को टालना नामुमकिन होगा।